नमस्कार। चलिए आज देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप का ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो सवाल। इसके पहले हमने एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी आज किया जाता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बच गया है, जो उस टाइप्स के प्रॉब्लम्स मेंस में अक्सर पूछा करता है, टायर टू एसएससी सीजर टायर टू में वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइप्स का देखेंगे, टाइप नंबर थर्ड एंड टाइप नंबर फोर। दो टाइप्स का ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो पहले वाले वीडियो में हमने कराया। एसएससी सीजर पॉइंट ऑफ व्यू से टायर टू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के चार से पांच क्वेश्चन में रहता है और एनी हाउ टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं, आए क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:2 इन ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस में ए एंड बी इन्वेस्ट कर रहा है 3:2 के रेशियो में। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी according to the statement of the question and A share is ₹855 and the total profit, that first हम लोग इसमें क्या करेंगे, profit consider करेंगे। total profit अगर हम लोग consider कर लेते हैं, अगर net profit हम लोग consider करते हैं ₹100, तो obviously इसका जो 5% होगा यानी ₹5 वो चला जाएगा चेरी के लिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट मींस ₹95 यही मेन प्रॉफिट होगा और ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में और ए का जो इसमें पार्ट है वो जाएगा 3 और इसमें चला जाएगा 2 का, बी का जो पार्ट है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये का पार्ट हो जाएगा 3/5, ये दोनों का सम टोटल जो होता है मल्टीप्लाइड बाय 95, ये आपका कटेगा ये हो जाएगा 57। तो एग्जैक्टली 57 रुपीज ए का शेयर है। अब लिखा हुआ स्टेटमेंट कि ये शेयर इज 850 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बेसिकली इसको देख सकते हैं कि 57 के इक्वल में दिया हुआ है 855 रुपीज। तो एट फर्स्ट यहाँ से हम लोग 1 निकालेंगे और 1 निकालेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 57 और ये कैंसिल होने के बाद आएगा 1,500। सो वी हैव टू फाइंड 100, दैट मींस 100% निकाल दें, 100 निकालेंगे 15 × 100 यानी आरएस 1500 रुपीज जो था फाइनल आंसर, यानी इतना रुपया हमको प्रॉफिट हुआ जिसमें से ए का शेयर है 855 रुपीज और बी का शेयर हो जाएगा 1500 - 855 जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा बी का शेयर। या फिर आप ऐसे बी का शेयर निकाल सकते हैं 2/3+2 मल्टीप्लाई बाय दिस में, तो भी आपका वही आएगा 1500 - 855। तो ये का शेयर है उसे हम लोग रिलेट कर लेंगे 57, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये रिलेट करना ये सब हो जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग 100 निकाल सकते हैं, 100 निकाले तो नेट प्रॉफिट आ गया। इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द शेयर ए फॉर हाउ मच इन्वेस्टमेंट टू बी डन बाय द ए एंड बी इन दैट रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं। ये बी एंड सी आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं, ये रिसीव कर रहा है 2/5 ऑफ द प्रॉफिट और बी और शेयर जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच रहा है उसका इक्वली हो जाता है। तो 2/5 ये के रख कहीं ना कहीं बी और सी को मिलेगा 2/5 यानी वन, ये टोटल में 2/5 हटाइए तो टोटल होता है कितना, 1 - 2/5 करेंगे 3/5 पार्ट तो होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इक्वली दोनों डिवाइड होगा। ठीक है, ये बी ये चला जाएगा बी के लिए और ये चला जाएगा सी के लिए। हाँ भाई, ये इनकम इंक्रीज बाय ₹200 व्हेन द प्रॉफिट राइजेस फ्रॉम द 8% टू 8% से जब 10% प्रॉफिट बढ़ के चला गया तो टोटल इंक्रीज अमाउंट हो रहा है ₹220। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लोग यहाँ करेंगे आपको कैपिटल इन्वेस्टेड का एबीसी को फाइंड आउट करना। तो देखिए पहले 8% में था तो 10% तो ले गया, तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है 10% - 8% ये 200
20 रुपीज है, तो 2% के बराबर टोटल 20 रुपीज हो गया, 1% के बराबर में हो गया 110। तो हम लोग 100% जब निकालेंगे तो वही 100% हम लोग का हो जाएगा 1100, यानी 11,000 रुपीज। ये आपका हो गया 100%, जो हो गया आपका ए का शेयर। तो ये का शेयर हम लोग का आ गया 11,000। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2/5 पार्ट्स प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 2/5 पार्ट्स के बराबर, 2/5 पार्ट्स के बराबर इस शेष किया पार्ट्स हो गया। यहाँ से आप सिंगल निकालिए उसको 3/5 निकालेंगे, इसलिए बी और सी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से वन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं कि हाँ वन इक्वल टू आप बना सकते हैं, आप ये हो जाएगा आपका टू नीचे चला जाएगा, तो टू जैसे नीचे जाएगा ये हो जाएगा 5 and 5 इतना हो जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा 1। आपको निकालना है 3/5 पीसेस, 3/5 पीसेस के लिए हम लोग 3/5 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 3/5, और ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 3/5 हम लोग ऐसे लेंगे, ये 5 यहाँ, ये वाला 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3/5 आपका इतना आ गया, यानी 0.5×3/5 रिमेनिंग 1/5×3/5 यानी इंक्रीज 16,500 रुपया। ये टोटल आया 3/5 पार्ट। और अभी हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा कि बी और सी इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी ये जो अमाउंट आया हुआ है इस अमाउंट को दो पार्ट में कर देना, यानी 16,500 रुपया जो आया है ये दो पार्ट में हो जाएगा। तो ये के लिए हम लोग का ऑलरेडी कितना आ गया 11,000 रुपया, बी के लिए हम लोग का कितना आ जाएगा 16,500 का आधा, और आधा वो बचा पार्ट सी को चला जाएगा। तो बी के लिए हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ 16,500 यानी 16,500 का, तो 8,250 रुपया इसका आधा है, और वही रिमेनिंग पार्ट यहाँ भी होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वही चीज है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पसंद आए शेयर करेंगे, और कमेंट में आप जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है किस टॉपिक्स पे वीडियो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू SSC CGL Tier 2 मेंस जो है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप जरूर कमेंट करें।